आप बाहर से आई हैं, तो क्या आपकी कोई कुटिया यहाँ स्थापित करेंगी जनता के लिए कि उनको भी बाहर ही जाना पड़ेगा? हम तो अपने घर में ही बैठे हैं, जैसे कि हमारे भैया मेरे बगल में बैठे हैं, पूरा सपोर्ट है, ये मेरा घर है, मैं जब आऊँ जब आऊँ। भीड़ वोट में तब्दील होती है, पर काफ़ी धांधली हो जाती है चुनावों में, जो कि हम लोग इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो। आपके चुनाव में भी हुई, हमारे बाराबंकी में भी हुई थी, तो इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग डट कर वहीं पर रहें। और ईवीएम को फिर दोष देंगे आप? ईवीएम से ना हो तो बेहतर होगा, यूपी का जो भविष्य है उस पर दूसरा नशा आजकल चढ़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि मुद्दों का नशा उन पर आजकल चढ़े, और वो जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, कितनी चुनौती मानती हैं गोंडा में आपको प्रत्याशी बनाया गया है, कैसे देखती हैं आप इसको? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी और सारे पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं कि उन्होंने मुझे गोंडा लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कराए। और चुनौतीपूर्ण तो हर दिन रहा है मेरा, राजनीति में जब से आए हैं तो हम इस चुनौती का भी डट कर सामना करेंगे और गोंडा वासियों को विकास धारा से जोड़ने का काम करेंगे। आपके बाबा जी यहाँ से मंत्री रहे और चुनाव जीते, कैसे देखते हो उसके बाद आपको वही विरासत के तौर पर ये सीट दी गई है, कितना चुनौती मानते हो आप? बाबू जी ने और मंत्री जी ने यहाँ पर काफ़ी कार्य करे थे, विकास कार्य, जो कि उनके बाद से हमें दिखने नहीं मिले हैं यहाँ गोंडा में। और जो भी उनके विकास कार्य थे उनको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने काफ़ी सड़कें बनवाई और रोज़गार देने का, हर परिवार में रोज़गार देने का काम करा है। तो हम चाहते हैं कि जो आज की जनता है, जो इस सरकार के चुनावी मुद्दों को समझ चुकी है कि वो आज झूठे साबित हो रहे हैं, वो बदलाव के लिए वोट करने जा रही है, इस पर साइकिल को वोट करेगी। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस बार आई है, पीडीएफ को लेकर आई, कैसे देखते हो पीडीएफ, कितना कारगर होगा आपको चुनाव में? जनता में हर वर्ग आज बहुत परेशान है, हर वर्ग चाहता है कि बदलाव आए, और चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, सब परेशान हैं। सबके व्यापार आज बंद हो चुके हैं, नोटबंदी रात भर में कर दी गई थी, किसी को कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। व्यापारियों पे आज कल चोरियां हो रही हैं उनकी दुकानों में, वो सब खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उनके घर नहीं चल पा रहे हैं, और सब बहुत परेशान हैं, उनकी जेबें खाली हुई जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बहुत आ चुकी है, हर चीज़ पर टैक्स लग गया है, जीएसटी उसके बाद लग गया, जो कसर बची थी जीएसटी ने पूरी कर दी। तो जनता बदलाव चाह रही है, महिलाएं बदलाव चाह रही है, महिलाएं दुष्कर्म से बहुत परेशान हो चुकी हैं। यूपी पूरे देश में नंबर वन है, एनसीआरबी के का डेटा आपको बताता है, मैं नहीं बता रही हूँ, कि पूरे देश में नंबर वन है महिला उत्पीड़न के मामले में। तो इस बार जनता बताएगी कि किसकी सरकार आने वाली है। जिस तरीके से गठबंधन की बात चल रही थी, आज गठबंधन भी आपका सपा कांग्रेस का फाइनल लगभग हो गई है, कैसे देखते हो जितनी सीटें मिल रही हैं, करार संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, दोनों पार्टी के नेताओं ने ये समझौता करा है, और 17 सीटें हमारे गठबंधन से गई हैं कांग्रेस पार्टी को, और हम सबकी सहमति है इसमें। गोंडा में अगर जनता आपको मौका देती है, आपका अपना क्या विजन है, किस चीज़ में देखती है कि गोंडा पीछे है? गोंडा में जैसे मैंने बताया, जो विकास कार्य रुक गए थे समाजवादी पार्टी के बाद, वो हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि मैं युवा हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, उनको मैं मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत महंगी पढ़ाई करी उन लोगों ने, उनको रोज़गार देने का हम काम करें, और महिलाओं में खासकर शिक्षा को और बढ़ाने का काम करें, क्योंकि महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो उनका परिवार पढ़ लिख लेगा। अच्छा, क्या मानती हैं पीडीए ही क्यों, क्या आपको लगता है कि बाकी वर्ग विकसित हो गए हैं या उनको अब मुख्यधारा? मैंने सारे वर्गों की बात करी, पीडीए में सारे वर्ग आते हैं, पूरा समाज आता है, समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ है, समाजवाद है, हम हर रंग है, हम में समता है, समानता है, और हम सबके साथ हैं। अच्छा, फिर इस बयान से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप राहुल गांधी के कि यूपी का जो युवा है, भविष्य अभी युवा है, वो शराब पी के नाच रहा है? यूपी का जो भविष्य है उस पर दूसरा नशा आजकल चढ़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि मुद्दों का नशा उन पर आजकल चढ़े, और वो जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी, वो मुद्दों पर वोट करेगी। आप गाँव गाँव में जा रही, कैसा लग रहा, आप क्या किस तरीके से देख रही कि आपको? जनता हमें भरपूर प्यार दे रही है, जनता हमें भरपूर पूरी समर्पित है, जनता हम लोगों को वोट देने के लिए बाबूजी का प्यार दिख रहा है, मंत्री जी का प्यार दिख रहा है, और जनता भी चाह रही है कि हम लोग आए उनके लिए थोड़ा काम करें, जो काम रुक गया था सरकार के बाद हम लोग अब बढ़ाएं उसको। लगभग हर चुनाव में देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आता है
तो स्थिति कुछ और होती है, तो वो जो भीड़ है वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाती? भीड़ वोट में तब्दील होती है पर काफ़ी धांधली हो जाती है चुनावों में, जो कि हम लोग इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो। आपके चुनाव में भी हुई, हमारे बाराबंकी में भी हुई थी, तो इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग डट कर वहीं पर रहें और कोई चीटिंग ना हो पाए। क्या ईवीएम को फिर दोष देंगे आप? ईवीएम से ना हो तो बेहतर होगा। नहीं तो चुनाव अभी आपने लड़ा भी नहीं है, अभी डिक्लेरेशन हुआ है, गड़बड़ी आपको पहले ही नजर आने लगी। क्योंकि क्या माना जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं चुनाव कैसे लड़ा जाता है, बचपन से देखते आ रहे हैं, हर काउंटिंग में रहे हैं, हर चुनाव मुद्दे हर कैंपेन में रहे हैं, तो पता है कि चुनाव में। बाबूजी ने मोदी ब्रांड की चप्पल पहन ली थी, क्या आप भी सैंडल पहनेंगे? मोदी तो अभी नहीं, वो इत्तेफाक था, वो इत्तेफाक था। आपने बाबूजी की बात की, जब वो चुनाव लड़ते थे स्थिति कुछ और हुआ करती थी, आज के दौर में स्थिति कुछ और है। उस वक्त बसपा कांग्रेस तमाम पार्टियां लड़ाई में होती थी, अब आपका सामना सीधे बीजेपी से, कैसे लड़ने वाली है, क्या समीकरण, क्या कैसे देखकर आप चुनाव में उतरी? जनता हमारे साथ है, जैसे मैंने कहा हर वर्ग हमारे साथ है, हर वर्ग परेशान है और वो लोग इस बार भाजपा को हटाने का काम करेंगे। अच्छा, आप गई होंगी लोगों के बीच में, क्या ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ये कहा कि जब बाबूजी आपके दादाजी आपके मंत्री थे तो उस समय शिलान्यास तमाम हुए थे, भूमि पूजन हुए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो धरातल पे नहीं आए, ना उनकी शुरुआत हो पाई, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको सामना करनी पड़ सकती है? ज़रूर, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जब कोई सरकार आती है काम करती है, जब नई सरकार आती है वो काम बंद कर दिए जाते हैं, नाम बदल दिए जाते हैं, उनका का शिलान्यास हो गया पूरा, उसको पट्टी बांध दी जाती है, बंद कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने कहा जो कार्य स्टार्ट करे गए थे हमारी सरकार द्वारा, वो आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। गोंडा में कारखाने के लिए हमेशा डिमांड होती रही, बाबूजी भी रहे, उसके बाद बीजेपी के भी तमाम लोग आए गए, आज तक कुछ यहाँ पर उद्योग लग नहीं पाए, कितनी उम्मीद आपसे की जाए? पूरी उम्मीद रखिए, जैसे कि मैंने कहा जो भी शिलान्यास हुए थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपका सामना राजघराने से होगा, क्योंकि अगर बीजेपी से टिकट उनको फिर से मिलता है तो वो राजघराने से आते हैं, क्या मानती हैं राजतंत्र अभी भी है या राजघराना अभी जिस तरह से उनकी कार्यशैली है वो क्या उनको बदलनी चाहिए? जनता ऐसा नेता चाहती है जो उन तक पहुँचे और जो उनकी समस्याओं को समझे, जो उनके घर दरवाजे पहुँचे, उनके सुख और दुख में। हमें ये नज़र नहीं आ रहा है, हमें नज़र ये भी नहीं आ रहा है कि जनता को अगर कोई शिकायत हो तो वो भी उसके लिए कहा जाए। तो ऐसा नेता वो चुनने जाएंगे इस बार जो उनके कदम से कदम मिलाकर उनके हर सुख दुख में साथ रहे और हर समस्या के लिए समाधान निकाले। अच्छा, वो राजमहल में जिसे आप भी कहने का तात्पर्य है कि जनता के सुख दुख से दूर है राजमहल, सामंतवाद है, आप बाहर से आई हैं, तो क्या आप भी कोई कुटिया यहाँ स्थापित करेंगी जनता के लिए कि उनको भी बाहर ही जाना पड़ेगा? हम तो अपने घर में ही बैठे हैं, जैसे कि हमारे भैया मेरे बगल में बैठे हैं, पूरा सपोर्ट है, ये मेरा घर है, मैं जब आऊँ जब आऊँ, बाकी देखा जाएगा।